नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुस्लिम नेता अबू आजमी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों में भय पैदा कर रही है, यह काम तो सालों से बीजेपी का है। एसपी नेता अबू आजमी ने कहा, मुसलमान के लिए बीजेपी क्या सोचती है, यह समय समय पर देखने को मिलता रहता है। बीजेपी हरदम मुसलमान के खिलाफ रही है, वह हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। आखिर वह एकजुट किसके लिए कर रहे हैं, इसका भी जवाब दें। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम क्या होंगे, इस पर मैं अभी नहीं बोल सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली अलग अलग विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और महाराष्ट्र स्थित 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने महाविकास आघाड़ी में शामिल घटक दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस मुसलमानों में डर पैदा करती है और उन्हें अपना वोट बैंक बनाती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस एक गैर जिम्मेदार पार्टी है, नफरत फैलाने की फैक्ट्री है। महाराष्ट्र में पहले कभी इतनी तेजी से परियोजनाओं का विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार में तेजी देखी गई थी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन सत्ता हासिल करने के लिए महाराष्ट्र को कमजोर करना चाहता है। बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की ओर से जल्द ही इसे लेकर कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।